दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दो पड़ोसी दुश्मन देश जब एक बार फिर मैदानी जंग में लड़ पड़े तो उनके भी जबरदस्त घमासान ने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन नामुमकिन जीत को कैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने बल्ले से तबाही मचाकर भारतीय टीम को दिलाई जीत, जिसे देख पाकिस्तान तो क्या पूरा क्रिकेट जगत ही देखकर दंग रह गया। आखिर कैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने मचाया बल्ले से तांडव, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम और हार्दिक पांड्या में सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एशिया कप की जंग सुपर फोर तक आ पहुंची है और इसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं। ये मैच लोगों का दिल दहला देने वाला देखने को मिलने वाला है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपने सबसे खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान और उनके साथ देने इमाम हक को मैदान पर भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में ही दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करना था। बुमराह ने अपनी पहली ओवर में घातक गेंदबाजी कर पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका दे दिया और फखर जमान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब इमाम उल हक का साथ देने मैदान पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान पर आए। बाबर और इमाम उल हक ने मिलकर अपनी पारी को संभाला और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। इमाम उल हक और बाबर आजम बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों की बल्लेबाजी देखकर यह अनुमान लगने लगा कि आज पहाड़ जैसा स्कोर भारतीय टीम के सामने खड़ा होने वाला है और दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा और भारतीय गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर रन बटोर रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताकर गेंद उनके हाथों में थमा दी और बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंद से ओवर की पहली गेंद पर इमाम उल हक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इमाम उल हक अपनी टीम के लिए 80 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब बाबर का साथ देने मैदान पर मोहम्मद रिजवान आ गए और वो बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। बाबर खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे और देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 47 ओवर में 295 रनों तक पहुंचा दिया। अब बाबर आजम शमी अहमद की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं मोहम्मद रिजवान भी अलग आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और केवल 25 गेंद में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को आखिरी 3 ओवर में 70 रन बनाकर टीम के सामने 365 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। बाबर आजम ने इस मैच में 145 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद भारत के ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के साथ बेहतरीन युवा बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर आ गए। इस लक्ष्य का पीछा करना भारतीय टीम के लिए इतना आसान पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने नहीं होने वाला था, लेकिन भारतीय टीम को हार मंजूर नहीं है और वो डटकर सामना करना शुरू कर चुके थे। गिल रोहित शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत देना शुरू कर दिया और 3 ओवर में ही टीम के मुकाबले में दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाज अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर दी और टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रन तक पहुंचा दिया। मगर गिल ने एक छोटी गलती कर नसीम शाह की गेंद पर अपना विकेट कम बैठे और महज 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित का साथ देने मैदान पर किंग कोहली आ गए। हार्दिक कोहली ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोल दिया, मगर कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं रखे और अब वो एक बार शाहीन अफरीदी के शिकार हो गए। वह जहां पर एक तरफ कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे, वहीं एक तरफ भारतीय टीम पतझड़ की तरह अपना विकेट गंवा रही थी। शाहिद अफरीदी और नसीम शाह ने मिलकर पाकिस्तान टीम को केवल 2-3 ओवरों में ही 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहले कोहली फिर ईशान किशन ने टीम को बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में आ पहुंची, लेकिन रोहित शर्मा अपना बेहतरीन अर्धशतक जड़कर मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने हार्दिक पांड्या आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीम को जीत के करीब ला पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम के पास ओवर कम थे और रन ज्यादा थे, लेकिन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या कड़ी मेहनत के बाद मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा ने शादाब खान की गेंद पर लाजवाब पुल शॉट खेल छक्का जड़कर अपना शतक भी पूरा कर लिया। वहीं हार्दिक पांड्या भी आक्रामक कैंडल में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को अभिजीत के लिए केवल 1 ओवर में 15 रनों की जरूरत थी और उनके सामने गेंद लेकर हरीश रॉफ खड़े थे। उनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका लगाया। अब 5 गेंद पर जीत के लिए भारतीय टीम को 11 रनों की जरूरत थी। अभी भी जीत भारतीय टीम से काफी दूर लग रही थी, लेकिन राउफ की गेंद पर हार्दिक पांड्या एक और शानदार चौका जड़ गए। अभी टीम को जीत के लिए 4 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद पर हरीश ने हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से चकमा दे दिया और हार्दिक पांड्या एक भी रन नहीं बना सके। इसके बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया और फैंस में निराशा झलकने लगी। अब टीम को जीत के लिए गेंद में 7 रनों की जरूरत थी। वहीं राउफ ने एक बार फिर खतरनाक यॉर्कर डालकर एक भी रन नहीं लेने
दिया और अब तो मानो भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से गंवा देगी, क्योंकि जीत के लिए दो गेंदों में 7 रन की जरूरत थी। लेकिन हार्दिक पांड्या हौसले बुलंद थे, उन्हें ऐसे मैच में जीतना बहुत पसंद है और उन्होंने रऊफ की 5वीं गेंद पर एम्पायर के ऊपर खतरनाक शॉट लगाकर छक्के में तब्दील कर दिया और मैच पूरी तरह से टाई हो गया। लेकिन भारतीय टीम के पास अभी भी एक गेंद में 1 रन की जरूरत थी और एक बार फिर रऊफ पांडे को तिरछी नजर से देखते हुए गेंद लेकर आगे बढ़े और जोड़कर डालने की कोशिश में फुल टॉस दे बैठे और हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग डाउन में खेलकर उस गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और भारतीय टीम को जबरदस्त जीत दिला दी। और पाकिस्तान टीम को उनके फैंस तो स्टेडियम में ही उथल पुथल मचाने लगे, उनकी आंखों में भी आंसू गिरने लगे। जी हां दोस्तों, ऐसे ही एक कांटे का मुकाबला एक बार फिर से हमें 10 सितंबर को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर फोर की करारी जंग में एक बार फिर दहाड़ा कप्तान रोहित का बल्ला, फिर किंग कोहली के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने मचाई तबाही, जिसने पाकिस्तान के पर कुतरते हुए उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो आखिर कैसे मैदान पर रोहित कोहली के साथ हार्दिक पांड्या ने उड़ाई पाक गेंदबाजों की धज्जियां, अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर कैसे उन्हें एक रोमांचक जीत हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया, पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और हार्दिक पांड्या में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर फोर के मुकाबले में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का सामना हो गया। जब रोहित विराट और हार्दिक पांड्या का बल्ला दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को तहस नहस कर देता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के महामुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान पर आते ही उन्होंने शाहीन अफरीदी के खिलाफ पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का चढ़कर अपना खाता खोल लिया। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा आज पाकिस्तान के लिए घातक साबित होने वाले हैं। मैदान में उतरते एक तरफ भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा, शुभमन गिल अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान पर किंग कोहली आ जाते हैं। अब रोहित के साथ कोहली की जोड़ी मैदान में थी, जिनके नाम से पाक गेंदबाज ख्वाब खाने लगे थे और कुछ ऐसा ही तबाही में इन्हें दोनों बल्लेबाजों ने कुछ घंटे तक देखने को मिला। जब रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली मिलकर हर पाकिस्तान गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वहीं विराट कोहली ने केवल 25 गेंद पर अपना 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों वाले बाल तुम ही बैटिंग देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। ये दोनों बल्लेबाज वनडे में T20 की तरह धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरे स्टेडियम में रोहित और विराट कोहली के नारे लगने लगे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज रन नहीं आज बरसने शुरू हो चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा की शतक का इंतजार था और वो कुछ ही अंदाज में अपने फैंस की इस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और शादाब खान की 3 गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा कर दिया। रोहित ने केवल 70 गेंद पर खतरनाक छक्के और 10 चौके की मदद से अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद पूरा स्टेडियम उनके स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर चुका था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के घातक गेंदबाजी एक बार फिर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उनके घातक गेंदबाज नसीम शाह ने खतरनाक यॉर्कर डालकर रोहित शर्मा को चकमा दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन विराट कोहली अभी मैदान पर मौजूद थे, उनके साथ देने अब सबसे खूंखार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या आ चुके थे। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भी मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ तांडव करना शुरू कर दिया। देखते देखते टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और किंग कोहली ने भी अपना शतक जड़ दिया। उन्होंने महज 55 गेंद पर 6 छक्के और 9 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेलकर मैदान पर आए। हार्दिक पांड्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बचे 2 ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऐसा तांडव मचाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ गए। हार्दिक 49 ओवर में फेंकने आए नसीम शाह के ओवर में 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 32 रन बटोर लिए। वहीं आखिरी ओवर में लेकर आए अपनी टीम के लिए नसीम शाह को भी हार्दिक पांड्या ने 5 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन लुटा लिए और इसी के साथ अपना तूफानी शतक महज 15 चौके 15 गेंद में पूरा कर लिया, जिसे देखकर हार्दिक पांड्या की पारी पाकिस्तानी फैन सदमे में आ गए। और इतना ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में भारत की बल्लेबाजी को देखकर हाहाकार मचने लगा। इस मैच के हीरो या टीम खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने बल्ले से पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा और एशिया कप के महामुकाबले में जीत दर्ज कर भूखे शेरों की तरह दहाड़ लगाते हुए फाइनल में जगह बना ली। जी हां दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों की आतिशी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने जीत की नई उम्मीद जिंदा की। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के होने वाले मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाने में कामयाब होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर फोर में एशिया कप की टॉप 4 टीमों के बीच की जंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ बड़े बड़े दिग्गज भी अपनी पसंदीदा टीमों के समर्थन में उतर चुके हैं। इसी बीच भारत को अपना दूसरा घर मानने वाले खिलाड़ी राशिद खान ने चैंपियन की भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिनकी बातों ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान करके रख दिया है।
तो आखिर राशिद खान ने किस टीम को बताया है एशिया कप का चैंपियन, क्यों उनके बयान से मचा है हड़कंप, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और बाबर आजम में कौन सबसे महान बल्लेबाज है और कप्तान, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एशिया कप का रोमांच अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। सुपर फोर के लिए चार टीमों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से करो या मरो का मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरे एशिया कप में जौहर दिखा रहे हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का विकेट उखाड़ कर तहस नहस कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन को देखकर गेंदबाजों की खूब चर्चा हो रही है। वहीं भारतीय टीम के भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के भी हालत बेहद खराब है, क्योंकि अफगानिस्तान से उसे नामुमकिन जीत मिली थी, जिससे उसका हौसला पूरा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पाकिस्तान टीम का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और उनके बल्लेबाज भी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए केवल 2 टीम ही एशिया कप की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है, वह भारत और पाकिस्तान ही है। जी हाँ, हर कोई यही चाहता है कि टीम इंडिया इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करे, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान से हारना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वहीं पाकिस्तान को भी हार बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब देखना यह होगा कि 10 सितंबर को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने होंगे तो कौन इस मैच में मारेगा बाजी और फाइनल में बनाएगा जगह। लेकिन वही एशिया कप चैंपियन की भविष्यवाणी भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक से बढ़कर एक दिग्गज अपनी अपनी भविष्यवाणी करना शुरू कर दी है। हर कोई अपनी फेवरेट टीम को चैंपियन बता रहा है, और इसी बीच अफगानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी और भारत को अपना दूसरा घर बताने वाले राशिद खान ने भी भविष्यवाणी करके लोगों को चौंका दिया है। हाँ जी, उसके बयान से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राशिद खान ने बताया कि सभी खतरनाक टीमों ने टॉप फोर में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में बताना बेहद मुश्किल है कि कौन सी टीम एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगी, लेकिन ये पक्का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और मुझे भारत के मुकाबले पाकिस्तान की टीम बेहद ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम का पड़ला किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम के पास भी एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज और खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं। कभी भी वह मैच का रुख पलट सकते हैं, और उनके पास ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। केवल इतना ही नहीं, राशिद खान ने आगे भी कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा और मुझे लगता है इस बार का एशिया कप खिताब भी भारत के नाम होने वाला है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं और नेट में भरपूर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि भारतीय टीम इस बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करे, और मेरा साथ पूरी तरह से टीम इंडिया के साथ होने वाला है, मैं टीम इंडिया को सपोर्ट भी करूंगा। तो दोस्तों, राशिद खान ने साफ सीधा बता दिया कि इस बार का एशिया कप खिताब कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार कैसे कप खिताब भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।